नमस्ते फ्रेंड्स, मैं उज्ज्वला महाजन आप सभी का स्वागत करती हूँ कुक विद क्लासी रसोई में। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने कुछ राजमा और खड़ी उड़द की दाल भिगोई हुई है, रात में डाल दी थी मैंने। अब ये सुबह का टाइम है, चलिए इसको उबलने के लिए रख देते हैं। यहाँ पे मैंने कुकर लिया है और ये दाल को डाल के साथ राजमा के साथ में उबलने रख देते हैं। फ्रेंड्स, मैंने दाल और राजमा को धो के अच्छे से 4-5 पानी से धो के फिर भिगोया था और उसी पानी के साथ में अब मैंने उबलने के लिए रख दिया है, क्योंकि पानी साफ था जब मैंने रात में धोने के बाद रखा था भीगने के लिए। अब इसके साथ में 2 तेज पत्ते, 1 दालचीनी का टुकड़ा छोटा डाल के थोड़ा हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 डालेंगे बड़ी इलायची डोड़ा थोड़ा क्रश करके, साथ में डाल देंगे नमक। यहाँ पे थोड़ा ही नमक डालेंगे, बाकी फिर जब बन जाएगी फ्राई करेंगे, तड़का लगाएंगे तब डालेंगे। चलिए उबलने के लिए रख देते हैं। साथ में थोड़ा लहसुन की कलियाँ भी डाल देंगे। अब इसको उबलने के लिए रख देते हैं। ये गैस पर रख दिया है फ्रेंड्स, लो टू मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और 4 से 5 सीटी आ जाएं तब तक अच्छे से पकने देंगे, या फिर गैस की फ्लेम पे डिपेंड करता है और कुकर पे कि किसका कितना हिसाब से चलता है, उस हिसाब से सीटी लगाइएगा। चलिए कुकर में सीटी आने के बाद फिर देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कुकर में सीटी आ चुकी है और राजमा दाल भी अच्छे से पक चुके हैं। देखिए अब इसको छौंक लेते हैं, तड़का लगा लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, थोड़ी प्याज ली हुई है बारीक कटी हुई, ये 1 प्याज है मीडियम साइज़ की पिसी हुई, और ये है टमाटर की प्यूरी, और 2 हरी मिर्ची पीस के रखी हैं इसमें। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची और जावित्री की पत्ती, थोड़ा स्टार फूल का टुकड़ा, थोड़ा दालचीनी, थोड़ा छवीला और थोड़ा जायफल, 4 से 5 काली मिर्ची और 4 लौंग ली हैं। इनको हम दरदरा कूट के डाल कर लेते हैं। इनको हम दरदरा कूट लेते हैं। फ्रेंड्स, तेल गरम हो चुका है, इसमें तेज पत्ते डाल देते हैं, जीरा डाल देते हैं। और बारीक चॉप की हुई प्याज डाल देंगे। साथ में फ्रेंड्स, अदरक लहसुन जो काट ग्रेट करके रखा था वो भी डाल देते हैं। फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे। और यहीं पे जो हमने गरम मसाला कूट के रखा है वो भी डाल देते हैं। अब इसको थोड़ा भून लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्याज भून चुकी है, अब यहाँ पे मैं जो प्याज पीस के रखी थी वो डाल देती हूँ। फ्रेंड्स, प्याज का पेस्ट भून चुका है, अब इसमें टमाटर की प्यूरी डाल देते हैं जो हरी मिर्ची के साथ पीसी हुई थी। अब यहाँ पे थोड़ा मसाला डाल देते हैं, नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, क्योंकि थोड़ा हम पहले दाल पकने में डाल चुके हैं। धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, मिर्ची भी हमने 2 पीसी थी टमाटर में पहले। अब हल्दी डालेंगे, थोड़ी देगी लाल मिर्ची, अब इसको अच्छे से पका लेते हैं, भूंज लेते हैं। फ्रेंड्स, मसाला भून चुका है, इसमें थोड़ा सा काला नमक डाल देंगे और साथ में डाल देंगे
दो चम्मच ताज़ा दही दो बड़े टेबल स्पून से डाल देंगे और इसको धीमी आंच पे ही पकाएंगे और अच्छे से चलाएंगे ताकि फटे नहीं। फ्रेंड्स, मसाला भुन चुका है, थोड़ा धनिया पत्ती डाल के और भून लेते हैं। फ्रेंड्स, मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है, देखिए कलर कितना अच्छा आया है। अब हम इसमें पकी हुई दाल डाल देते हैं। अब इसमें अपनी आवश्यकता अनुसार पानी डाल देते हैं थोड़ा, क्योंकि अभी ये पकेगी, थोड़ा खोलेगी तो और भी गाढ़ी हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, मैं इतनी रखूंगी, आप अपनी ज़रूरत के अनुसार रख लें, क्योंकि ये चावल के साथ में खाई जाएगी तो थोड़ा इसमें ग्रेवी भी होना ज़रूरी है, पकने पे खोलने के बाद थोड़ा और भी गाढ़ी हो जाएगी। चलिए इसको खोलाने देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सब्जी अच्छे से खोल चुकी है। अब इसमें थोड़ी क्रीम और कसूरी मेथी डाल के उतार लेते हैं। अब गैस को बंद कर देते हैं। थोड़ा कसूरी मेथी डालेंगे और यहाँ भी थोड़ा धनिया की पत्ती और थोड़ी फ्रेश क्रीम। चलिए इसको उतार लेते हैं, अब मिक्स कर देते हैं। इसमें मिक्स करने के बाद 2 मिनट इसको ढक करके रख देंगे ताकि इसमें कसूरी मेथी का फ्लेवर भी अच्छे से आ जाए। देखिए फ्रेंड्स, दाल राजमा बन के तैयार है। अब इसमें थोड़ा क्रीम डाल देते हैं, थोड़ा सा ऊपर से ग्रेट करके पनीर डाल देते हैं। और थोड़ा बटर डाल देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा इसमें बटर भी डाल देते हैं। अब बनके तैयार हो गई है आपकी दाल मखनी। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ऑल पर क्लिक करें ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।